हरे कृष्ण। आपसे तो का हार्दिक स्वागत है। आज की एक और कथा में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत के फिफ्थ चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 22। इसमें वैकुंठ जगत के बारे में वर्णन प्राप्त है और प्रभुपाद जी बहुत ही विस्तृत तात्पर्य के द्वारा वैकुंठ की क्या स्थिति है इसके बारे में कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके तात्पर्य में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। इवन इफ अ मटेरियलिस्ट वांट्स टू एंजॉय डेवलप्ड मटेरियल फैसिलिटीज ही कैन ट्रांसफर हिमसेल्फ टू प्लैनेट्स वेयर ही कैन एक्सपीरियंस मटेरियल प्लेजर्स मच मोर एडवांस देन दोस अवेलेबल ऑन अर्थ। The best plan is to prepare oneself to return to the spiritual sky after leaving the body. However, if one is intent on enjoying material facilities, one can transfer himself to other planets in the material sky by utilizing yogic powers. The playful spaceships of the astronauts are but childish entertainments and are of no use for this purpose. The Ashtang Yoga system is a materialistic art of controlling air by transferring it from the stomach to the navel, navel to the heart, heart to the collarbone, and from the eyeballs and to the eyeballs, and there to the cerebellum, and from there to any desired planet. The velocities of air and light are taken into consideration by the material scientist, but he has no information of the velocity of the mind and intelligence. We have some limited experience of velocity of the mind because in a moment we can transfer our minds to the places hundreds of thousands of miles away. Intelligence is even finer. Finer than intelligence is the soul, which is not matter like mind and intelligence, but is spirit or antimatter. The soul is hundreds of thousands of times finer and more powerful than intelligence. We can thus only imagine the velocity of the soul in its traveling from one planet to another. Needless to say, the soul travels by its own strength and not with the help of any kind of material vehicle. So, he already last time मैंने discuss किया था उसे और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वो आ भी गया अभी जब हम लोग वैकुंठ जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैकुंठ में किस प्रकार की फैसिलिटीज हैं और सब के सब फैसिलिटी कैसी हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद है वहाँ पे सब कुछ। और वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, पूरे भौतिक ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य को एक साथ मिला दिया जाए तो भी वैकुंठ के ऐश्वर्य के एक छोटे से भाग के बराबर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वैकुंठ में भी हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे वैकुंठ में भी स्त्री पुरुष हैं, वहां पे भी घर हैं, हवेलियां हैं, एयरप्लेन भी है और हर चीज है, जो भी चीज फैसिलिटी, बल्कि इस भौतिक जगत से ज्यादा ही उत्तम फैसिलिटी है वहाँ, उत्तम और चीजें हैं सुख सुविधाओं। लेकिन वहां पे अंतर क्या है कि इस भौतिक जगत में भोग करने की प्रवृत्ति है, वहां पे भोग करने की प्रवृत्ति नहीं है, सेवा की प्रवृत्ति। वहां पे सब सेवा करना चाहते, उसी में उनको आनंद मिलता, इंद्र तृप्ति करने का वहां पे इच्छा ही नहीं। वहां पे तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव नहीं, क्योंकि जो इंद्र तृप्ति की भावना आती है ये रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होती है। और जो काम चोरी की लेजीनेस, निद्रा, आलस्य और कम मेहनत करके ज्यादा लाभ कमाने की, ये सब जो भावना है ये तमोगुण के कारण आती है। और वैकुंठ में तमोगुण रजोगुण दोनों ही अनुपस्थित है। वहां पे सतोगुण भी है जो वो एक्चुअली में विशुद्ध सत्व गुण है, प्योर स्पिरिचुअल गुडनेस है, और इसीलिए वहाँ के जो भक्त निवासी वो लोग के हृदय में एक रंच मात्र भी इंद्र तृप्ति की भावना नहीं, और ना ही उनके उनकी जो मानसिकता है वो ना तो आलसी है ना तो उनको निद्रा ये सब की आवश्यकता है। तो वो 24 घंटे निरंतर हर क्षण भगवान हरि के सेवा में कार्यरत रहते हैं और उसमें उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये है वैकुंठ जगत। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि अगर किसी को भौतिक भोग प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा है भी तो उसको
प्रयास करना चाहिए कि वो अन्य लोकों में जाए, स्वर्ग, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, वहां पे जा करके पृथ्वी से ज्यादा सीमित मात्रा में इंद्र भोग प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहां पे जाने का तरीका क्या है, ये जो चाइल्डिश अटेम्प्ट स्पुटनिक के द्वारा, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा भौतिक वैज्ञानिक लोग जाना चाहते हैं, वो एक बचपना है, उसके द्वारा वो नहीं पहुंच सकता है। और किसी तरह से अगर पहुंचा भी दिया अपना स्पेस क्राफ्ट, तो वहां पे स्टे नहीं कर सकते, वहां पे रुक नहीं सकते, वो संभव है कि वहां की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग। इसलिए वैदिक तरीके से ही वहां पे केवल जाया जा सकता है, अष्टांग योग के माध्यम से। ये पहले के योगी लोग इस प्रकार से करते थे, तो आज के समय में तो अष्टांग योग भी संभव नहीं है। इसलिए केवल अगर कोई भक्ति कार्य में लगता है, इसलिए भागवत बोलता है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो अगर किसी को बहुत सारी कामना भी है इस भौतिक संसार में कुछ भोग करने की, तो उसको भी तीव्रता से भक्ति करना चाहिए, तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे और उसको जो है स्वर्ग आदि इत्यादि लोकों को पहले प्रदान करेंगे। वहां पे लाखों वर्षों तक रह करके वो बहुत अच्छे तरीके से इंद्रिय भोग कर सकेगा, फिर वापस पृथ्वी में जन्म लेकर के, अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लेकर के, भक्ति के कार्य को आगे बढ़ा करके वैकुंठ भी जा सकता है। लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट वे है, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो ये भी इच्छा नहीं करते, वो लोग तो डायरेक्ट वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं। बट एनी वे, अगर किसी का इच्छा है भी, तो एटलीस्ट उसको इस पृथ्वी लोक में, इस जीवन में, मनुष्य जीवन में रहते हुए तो इंद्रिय संयम करना चाहिए, दिव्य तपस्या करना चाहिए, चार नियम का बहुत ही गहराई से पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, भगवान का तीव्रता से सेवा करना चाहिए। ये करने से वो स्वर्ग आदि इत्यादि लोगों को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी के एक बहुत महान शिष्य हुए, जिनका नाम है हिज ग्रेस जयानंद प्रभु, जो कि प्रभुपाद जी से जुड़े अर्ली डेज में, 1966-67 में ही प्रभुपाद जी से जुड़ गए थे जयानंद प्रभु। और इस्कॉन रथ यात्रा का जो पहला रथ बनाया था वो जयानंद प्रभु ने बनाया था, इसीलिए इस्कॉन की रथ यात्रा जहाँ भी होती है तो प्रभुपाद जी के आदेश पे जयानंद प्रभु का फोटो लगाया जाता है। सबसे पहली रथ यात्रा उन्होंने बनाया था, रथ बना के दिया था और रथ यात्रा सेलिब्रेट कराया था। तो वो दिन रात मेहनत करते थे कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण का दिन रात सेवा करते थे और बड़े ही गंभीर तीव्रता से भक्ति वो किया करते थे। लेकिन उनको जो है वो लंबे समय तक नहीं जी पाए, उनको कैंसर हो गया और 1977 अप्रैल या मई के समय ही वो कैंसर के कारण उनका शरीर छूट गया। प्रभुपाद जी के शरीर छोड़ने के लगभग 5-6 महीने पहले ही उन्होंने उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी को जब पता चला कि जयानंद प्रभु शरीर छोड़ दिए हैं, तो प्रभुपाद जी जो है रिमार्क करते हैं अपना, ये भी एक बड़ा ये सौभाग्य होता है वैसे कि गुरु के सामने शरीर छोड़ दी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जयानंद प्रभु ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, वो कृष्ण की सेवा के लिए बहुत तत्पर थे, डेडिकेटेड थे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रभुपाद जी बोले कि ही मस्ट हैव रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड, वो भगवान के धाम चले गए होंगे। और अगर उनके हृदय में कुछ भी भौतिक इच्छा होगी, रही होगी, विद्यमान रही होगी, तो भगवान कृष्ण की कृपा से वो स्वर्ग लोक इत्यादि किसी लोक को, बड़े लोक को प्राप्त करेंगे और वहाँ पे असीमित मात्रा में इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य को भोग करने के बाद वो फिर वैकुंठ जाएंगे। ऐसे प्रभुपाद जी टिप्पणी करते हैं। तो ये सत्य है कि जो भी भक्त बड़े ही धैर्य पूर्वक और पूरे उत्साह के साथ कृष्ण का आश्रय लेते हैं, सेवा करते हैं और सख्ती से चार नियमों का पालन करते हैं, तपस्या, इस प्रकार की दिव्य तपस्या को करते हैं, तो अगर हृदय में कुछ भौतिक इच्छा शेष रह जाती, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको स्वर्ग या उनसे भी उच्च लोकों को प्रदान करते हैं। और फिर उसके पश्चात असीमित मात्रा में जितना भी भोग करने की उनकी इच्छा है वो करने के बाद वो भगवान के वैकुंठ धाम को जाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये भगवान की असीमित कृपा है। भगवान इसका और उदाहरण, दूसरा उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी भगवान से का दर्शन प्राप्त करने के पूर्व,
वो चाहते थे कि उनको अपने पिता के पिता के पिता से भी ज्यादा जो है ऐश्वर्यशाली राज्य प्राप्त हो, यानी ब्रह्मा से भी ज्यादा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा हुई थी। जब उनकी सौतेली माता ने जो है उनका डांटा था, उनसे वो किया था, संवाद में तकलीफ हुआ था उन्हें, तो भगवान विष्णु का इस उद्देश्य से वो पूजा किए थे। लेकिन इतने तीव्रता से भक्ति किए दिव्य तपस्या करके कि जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके, भगवान का स्पर्श प्राप्त करके उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब उनको कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान उनको देखे कि इनके हृदय में इच्छा थी इस प्रकार के भोग करने की, तो भगवान उस इच्छा को पूर्ति करते। भगवान उनको ध्रुव प्लैनेट यानी इस पृथ्वी में ही ऐसा असीमित ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। 36,000 ईयर्स, 36,000 साल तक पूरे पृथ्वी के वो इकलौते चक्रवर्ती सम्राट बन के रहे और पूर्ण ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किए। और क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध भक्त बन गए थे तो वो उस ऐश्वर्य का मिस यूज नहीं किए, उसको भगवान की सेवा में ही लगाए। लेकिन भगवान उनके ऊपर कृपा करके, क्योंकि उन्होंने इच्छा किया था, इसलिए भगवान उनको 36,000 साल तक पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनाए, और उसके बाद फिर वो जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है भगवान की जो जो आश्रय लेते हैं, तो भगवान किसी भी तरीके से उनको वंचित नहीं करते हैं। अगर किसी को भोग करने की इंद्रतृप्ति ऐश्वर्य की इच्छा होती है तो भगवान उसको भी प्रदान करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी में प्रदान नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी में सब तुच्छ है, सब थर्ड क्वालिटी। इसीलिए दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए, ताकि अन्य लोकों में जाकर के तो कम से कम कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर सके जो कई लाखों साल तक टिकेगा। यहाँ पे तो कुछ 2, 4, 10, 20 साल के लिए कुछ ऐश्वर्य मिलेगा, उसको भी हम अच्छे से इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जो बेस्ट है, सर्वोत्तम, तो ये होता है कि कोई भगवान का आश्रय ले, उनको सेवा के भाव से, प्रेम के भाव से, वैकुंठ के प्राप्त करने के भाव से। और इससे भी बेस्ट होता है कि केवल भगवान को सेवा करने के, प्रेम करने के लिए उनका सेवा करें। तो ऐसे भक्तों को भगवान अपने आप को दे देते हैं, और वो भक्त वास्तव में ब्रज ब्रजवासी होते हैं, ब्रज के भक्त होते हैं। द बेस्टियल सिविलाइजेशन, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द बेस्टियल सिविलाइजेशन यानी जानवर वाली जो सिविलाइजेशन है आज की, द बेस्टियल सिविलाइजेशन ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड सेंस ग्रेटिफाइंग हैज मिसलेड मॉडर्न मैन इनटू फॉरगेटिंग हाउ पावरफुल अ सोल ही हैज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, द सोल इज अ स्पिरिचुअल स्पार्क मेनी मेनी टाइम्स मोर इल्यूमिनेटिंग, डेजलिंग एंड पावरफुल देन द सन, मून और इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन लाइफ इज स्पॉइल्ड व्हेन मैन डज नॉट रियलाइज हिज रियल आइडेंटिटी विद हिज सोल। लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड विद लॉर्ड नित्यानंद टू सेव मैन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मिसलीडिंग सिविलाइजेशन। तो आज का जो आधुनिक समाज है, जो पूरी तरह से आहार निद्रा भय मैथुन चा इस पे निर्भर जो समाज है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इंद्र तृप्ति की भावना को ही जो प्रेरित करता है, ये पूरी तरह से आधुनिक से मनुष्य समाज को मिसलीड कर रहा है, धोखे में डाल रहा है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा होने के नाते हमारा एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। मतलब हम इस थर्ड क्लास क्या बोले, फोर्थ क्लास, 10th क्लास, वर्स्ट क्लास जो मटेरियल हैप्पीनेस, सबसे घटिया ये भौतिक सुख के लिए हम नहीं बने। यहाँ पे तो मनुष्य की अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि जीवन निर्वाह करने के लिए, 2 वक्त का रोटी अरेंज करने के लिए, और एक छोटा सा घर अरेंज करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। इंद्र तृप्ति या फिर सुख सुविधाओं का भोग करना तो दूर की बात होगी, लेकिन अगर पूरे पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख सुविधा का साधन भी मिल जाए, तो वो भी आत्मा के लिए जो है वर्स्ट क्लास, 3rd 4th 5th 10th क्लास भी नहीं बोल सकते, सबसे बेकार घटिया है वो। क्योंकि आत्मा बहुत उच्च है, बहुत ही सुपीरियर एनर्जी है भगवान की। भगवान जिस प्रकार के दिव्य आनंद को भोग करते हैं, भगवान जिस प्रकार के दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी का राइटफुल कैंडिडेट है आत्मा। क्योंकि हम आत्मा जात्मा जो है भगवान का ही अंश है, भगवान के ही सारे गुण हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच, हम भी सच्चिदानंद, तो हमारा भी अधिकार है भगवान के साथ, भगवान की सेवा में, भगवान के कोऑपरेशन,
हाँ, भगवान के सेवा में भगवान पर निर्भर होते हुए जिस अद्भुत आध्यात्मिक सुख को भगवान प्राप्त कर रहे हैं अपने असंख्य वैकुंठ के भक्तों के साथ, वही हमारा भी अधिकार है। लेकिन वो हम भूल चुके हैं। और आज के जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, जो आज का जो मनुष्य समाज है, जो लीडर्स हैं, वो हमको धोखे में डाल रहे हैं कि आपके जीवन का असली उद्देश्य यही है क्या? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। किसी तरह से इस संसार में कुछ सुख सुविधा एकत्रित कर लो और कुछ 15, 20, 25, 30, 40 साल जितना भी उम्र शेष बचा हुआ है उसमें अच्छे से खाना पीना सोना और मैथुन, यही सब करना, यही जीवन का सबसे परम लक्ष्य। इस प्रकार से पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है सिविलाइजेशन। और इसी प्रकार के मिसलीडिंग यानी धोखा देने वाली सिविलाइजेशन से बचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये प्रोसेस दिए ताकि हम हमारे असली धन को रियलाइज कर सकें। महाप्रभु मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को एक बहुत अच्छा उदाहरण, एनोलॉजी, एनेक्डोट के द्वारा समझाते हैं कि आत्मा का असली जो अधिकार है या धन है वो क्या है। महाप्रभु बताते हैं कि आत्मा की स्थिति वैसी है जैसे कि कोई एक बहुत ही धनी जमींदार व्यक्ति था जिसके पास कई किलो सोना, हीरे, जवाहरात, इतना उसके पास धन संपत्ति और रत्न सब रखा हुआ था। लेकिन वो उसको एक अपने घर के किसी कोने में गाड़ के रख दिया था, लेकिन असामयिक मृत्यु होने के कारण वो अपने पुत्र को बता नहीं पाया कि मैंने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य धन कहाँ पे छुपा के रखा है। और इस प्रकार से उसका मृत्यु हो गया और वो शरीर छोड़ के निकल गए। हाँ, तब वो जो उसका पुत्र है बेचारा, हर प्रकार से धन से वंचित होकर के उसको पता भी नहीं है कि वो धन कहाँ है, तो वो बेचारा भ्रमित हो रहा है, घर घर इधर उधर जाके ठोकरे खा खा के किसी तरह से 2 वक्त का रोटी कमा रहा है, जबकि उसको पता नहीं बहुमूल्य धन उसके पिताजी छुपा के गए हैं। तो एक ज्योतिष आता है और उसको देख के बोलता है, अरे आप तो बहुत धनी हो, आपके पास बहुत धन है। उसको गाइड करता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाइए, हाँ, उत्तर, पूरा, पश्चिम, दक्षिण। तो दक्षिण में जाके नहीं मिलेगा आपको, उधर खुदाई मत करना, उत्तर में मत करना, पश्चिम में मत करना, पूरब में इस जगह पे जाकर के खुदाई करना, तो आपको असीमित धन मिल जाएगा। तो ये महाप्रभु स्टोरी, ये उदाहरण, एनोलॉजी बता के, एग्जाम्पल बता के समझाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा, जीवात्मा अपने आप की वास्तविक स्थिति को भूल जाने के कारण, अपने आप का भगवान के साथ संबंध भूल जाने के कारण, वैकुंठ जगत के ऐश्वर्य को ना जानने के कारण, इस भौतिक जगत में जो वर्स्ट क्लास, सबसे घटिया जो सुख सुविधा है, इंद्र तृप्ति है, उसी के पीछे जो है भटकता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जैसे उसके पास ज्योतिष है, तो वैसे ही भगवान का शुद्ध भक्त गुरु बन के जब आते हैं और उसको बताते हैं कि आप इस प्रकार से असली धन को प्राप्त कर सकते हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, तब वो भाग्यशाली बन जाता है और फिर उसका भाग्य का उदय होता है और फिर वो खुदाई करना चालू करता है। खुदाई मतलब वो फिर साधना भक्ति करता है और अपने असली धन को, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को जागृत करके, भगवान के साथ ही, उनके साथ ही वैकुंठ के ऐश्वर्य को जो है भोग कर सकता है, इंजॉय कर सकता है इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड। भगवान इतने दयालु हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्ति देते हैं। अगर किसी जीवात्मा का इच्छा है कि वो भी भगवान नारायण के जैसा दिखना चाहता है, तो भगवान इतने दयालु हैं उसको सारूप्य मुक्ति दे देते हैं। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप रंग दिखेगा हूबहू, यानी दोनों खड़े हो जाएंगे तो कोई जान नहीं पाएगा नारायण कौन है और जीव कौन है। केवल वहां पर डिफरेंशिएशन होता है कि भगवान नारायण कौस्तुभ मणि पहने रहते हैं और बाकी जो वैकुंठ के निवासी हैं उनकी कौस्तुभ मणि नहीं, अन्यथा कोई पहचान ही नहीं सकता। भगवान जितने सुंदर वो भी उतना सुंदर श्यामल, घनश्याम वर्ण के पीताम्बर धोती पहने हुए, षडभुज, शंख चक्र गदा लिए, भगवान अपने जैसा ईश्वर देने को तैयार है। सारष्टी, उसको सारष्टी बोलते हैं, अपने जैसा ईश्वर भी दे देते हैं। सालोक्य, अपने जैसा लोक प्रदान करते हैं। सामीप्य, अपने, अगर कोई चाहता है कि मैं भगवान का निरंतर पार्षद बन के उनके साथ रहूं तो सामीप्य दे देते हैं, भगवान अपने हमेशा पास में रखते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार की मुक्तियां भगवान देने को तैयार है। लेकिन इससे भी बढ़कर के अगर कोई भक्त कुछ चाहता है तो वो जो है कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं, द्वारका, मथुरा और ब्रज वृंदावन को प्राप्त करते हैं। तो
वहां पे तो भगवान से बड़े बन जाते हैं। वैकुंठ में तो जो भक्त मुक्ति प्राप्त करते हैं वो भगवान के बराबर के ऐश्वर्य को भोग करते हैं, लेकिन भक्त अगर ज्यादा एडवांस है, ज्यादा गहराई से भगवान को प्रेम करता है, तो भगवान अपने से भी बड़ा बना देते हैं उसको। यशोदा नंद बाबा बन जाएगा, यशोदा नंद बाबा नहीं बनेगा, मतलब भगवान के ही, यशोदा नंद बाबा के असिस्टेंट या उनके जैसे ही माँ बाप बन सकता है, भगवान को जो पालन पोषण कर सकता है, उनको खिला सकता है, उनको डांट सकता है, ऐसी स्थिति में सखा बन सकता है, गोपियां बन सकती हैं, गोपियां तो और सर्वश्रेष्ठ, भगवान से भी श्रेष्ठ। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि ये मायावादी लोग दे आर आर्टिफिशियली ट्राइंग टू बिकम वन विद गॉड, वो लोग कृत्रिम रूप से भगवान के बराबर बनना चाहते हैं। बट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज सो एग्जॉल्टेड, भगवान का शुद्ध भक्त इतना ज्यादा उन्नत है, एग्जॉल्टेड है, कि ही कैन बिकम मोर देन द लॉर्ड, वो भगवान से बड़ा बन जाता है। भगवान जो है वॉलंटरली स्वेच्छा से अपने भक्त के अधीन हो जाता है। तो ये है वैकुंठ है और कृष्ण लोक का ईश्वर। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा ये सब जानने के बाद अभी भी जो वर्स्ट क्लास मटेरियल हैप्पीनेस है उसी के पीछे अपना जीवन जो है नष्ट कर देगा। श्रीमद् भागवतम ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ योगीज कैन ट्रेवल टू ऑल द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। व्हेन द वाइटल फोर्स इज लिफ्टेड टू द सेरिबलम, देयर इज एवरी चांस दैट दिस फोर्स विल बर्स्ट आउट फ्रॉम द आईज, नोज, ईयर्स एटसेट्रा, एज दीज आर प्लेसेस दैट आर नोन एज द सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ द यूनिवर्स। बट द योगीज कैन ब्लॉक दीज होल्स बाय कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ एयर। The yogi then concentrates the vital force in the middle position, that is between the eyebrows. At this position, the yogi can think of the planet to which he wants to go after leaving the body. He can then decide whether he wants to go to the abode of Krishna in the transcendental Vaikunthas, from which he will not be required to descend into the material world or to travel to the higher planets in the material universe. The perfect yogi is at liberty to do either. तो भागवत में भी ये वर्णन है कि कैसे योग साधन के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, जब कोई परफेक्शन परफेक्ट योगी बनता है तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन से लोक में जाना है। तो अगर वो भौतिक इच्छा कुछ है तो भौतिक लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक और स्वर्गलोक में जा सकता है, या अगर भगवान के प्रति आकर्षण है तो वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक भी जा सकता है। लेकिन वो उस प्रकार का परफेक्ट योगी बनने के लिए जो है हजारों हजारों सालों तक अष्टांग योगा पालन करना पड़ता है बड़ी सख्ती से, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं रहता कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे माया के प्रलोभन आते रहते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि 60,000 साल, 60,000 वर्षों तक अष्टांग योगा पालन किए, ऑलमोस्ट परफेक्ट योगी बन चुके थे, लेकिन फिर इंद्रदेव ने भेज दिया और उनका पतन हो गया। तो इसलिए अष्टांग योगा सिस्टम सतयुग में भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन सतयुग में लोग करते थे, और इस प्रकार से परफेक्ट योगी बनने के बाद वो अपने चूज कर सकते थे किस ग्रह में जाना। लेकिन वही परफेक्शन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बड़े दया करके हमको हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जस्ट 60,000 वर्षों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, 60 साल भी अगर कोई कर लेगा बड़े दृढ़ता पूर्वक गंभीरता से तो उसी परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। तो अब इससे बड़ा बम्पर ऑफर और क्या हो सकता है, अब इससे बड़ा और क्या, इसके बावजूद भी अगर कोई इसका लाभ नहीं उठाता है और इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा देता है तो उससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है। तो ये है इस वैकुंठ जगत के बारे में इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे और अनफोल्ड किया जाएगा वैकुंठ जगत के बारे में मन के भक्ति के बारे में। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।